एग्जीबिशन में हम यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कहा गया है कि बहुत सारे ये पेंटिंग्स जो है ये मेडिटेटिव है और इन्होंने 10 साल से इनका एक्सपर्टीज़ है और काफ़ी इन्होंने पूरे देश में और विदेश में एग्जीबिशंस किए हैं और इनका इतना नाम है तो उन्होंने बुलाया तो हम आ गए हैं। और आपने अगर जो पेंटिंग्स के कलर्स देखे हैं तो बहुत ही वाइब्रेंट है और मुझे लगता है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि दीज पेंटिंग्स आर सेइंग समथिंग टू अस एंड देयरफॉर हमें अच्छा लग रहा है। यू नो हम पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं और रोज का स्ट्रेस है और अगर ऐसा कोई पेंटिंग हमारे घर में रहे और एक मेडिटेटिव स्टेट हमको मिले तो मुझे लगता है हम और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इससे बेहतर कुछ करूं और कुछ दुनिया के लिए कुछ और करूं नया। ऑल्सो सर जैसे मैंने पूछा कि आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई पेंटिंग्स के बारे में, वाइब्रेंट कलर और बहुत सारी चीज़ें, आप कितना रुचि रखते हैं, क्या कभी ट्राई किया आपने पेंटिंग्स बनाने के लिए, अगर कुछ शेयर करना चाहिए? नहीं, मैंने पेंटिंग्स बनाने के लिए नहीं ट्राई किया लेकिन बहुत सारे जो प्रफुल्ल धानुकर है और प्रकाश बाल जोशी है और बहुत सारे एबिनेंट जो आर्टिस्ट है वो मेरे मित्र है और वो हमेशा मुझे बुलाते रहते हैं और मैं जाता हूँ क्योंकि एक जैसे करण जी ने कहा कि प्रोत्साहन तो आर्टिस्ट को मिलता ही है, उसके अलावा हमको भी कुछ हमारे फील्ड के अलावा कुछ नया देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यू नो वाइब्रेंसी और हमारे फील्ड में अगर ऐसा हो तो हम मुझे लगता है कि देश बहुत तरक्की करेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग से मिलती है घर के अंदर, स्पेशली मेंटल पीस के बारे में बात की, सर क्या कहना चाहेंगे? सर ने ऑलरेडी बताया आपको, बट आई विल टॉक अबाउट अवर इमोशंस। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप विद डिफरेंट इमोशंस एंड एंड ऑफ द डे वी आर स्ट्रेस्ड आउट। जैसे कानन जी का पेंटिंग मैं देख रहा हूँ, अभी मैं इन डेप्थ में देखूंगा, बट व्हाट इज अ स्ट्रेस रिलीवर बेसिकली एंड इट्स क्रिएट्स डिफरेंट इमोशंस, जॉय है, डिलाइट है, सीरियसनेस है। और जैसे मैडम और मेरे सब बोल रहे थे ओम भूम भुव स्वा, the was sublimed into the emotions, so this is emotion in flow and thank you Kananji for inviting us, thank you sir so much and thank you all of you and you also, because all of us are creating emotion right now and emotion is a flow of life and Diwali we Christmas aayega, so it's a delight of light, emotions and prosperity to all of you. But jaisa aapne bataya ki art is a form of your perspective on life, your day-to-day basis. My brother is also an artist, Sunil Patwal. So I'm used to these kind of forms and everything. And very glad to stand in front of you. Thank you. And share all these feelings with you, all of you. Thank you so much. Kanan ji ke kaafi exhibitions mein humne, we have been a part of every exhibition that she had. Not from last 10 years, but pichle kuch saal se definitely have been a part of every exhibition she had. And every form of maya that has been portrayed in this current exhibition is amazing. Just need to see it thoroughly and get the feel. And every painting actually speaks many things. If you आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक्चुअली इनर पीस एवरी पेंटिंग में बखूबी मिलता है एंड यू कैन जस्ट यू आर जस्ट मेस्मराइज बाय एवरी पेंटिंग शी हैज। कानन बाबी रॉक्स, थैंक यू, दैट्स ऑल। कानन बाबी रॉक्स, दैट्स ऑल, थैंक यू एज ऑलवेज। बहुत ही प्लेजेंट पेंटिंग्स है, प्रकाश भाई ने तो बता ही दिया कि आपकी मानसिक स्थिति को ये मोटिवेशन दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, ऐसे पेंटिंग्स हैं। हर एक घर में ये पेंटिंग्स होने चाहिए। मैं बता देता हूँ कानन जी को, ये मैं उनके एग्जीबिशन में 5वीं या 6ठी बार आया हूँ, हर बार कुछ वो नया करके लाते हैं और जो हमारी इच्छा है होती है उनसे ज़्यादा वो हमको खुशी देते हैं। नीलेश भाई ने अभी मेरे को आते हैं तो बताया, एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आई थी महाराष्ट्र टाइम्स की, एक ज़माने में उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था पत्र नवे मित्र,
दिलेश भाई ने बोला मुझे भी ऐसा लगता है कि बॉम्बे समाचार में एक ऐसे लिखूं मैं मित्र नवे चित्र वेरी नाइस थैंक यू आर्टिस्ट है वो अपने मूड से पेंटिंग बनाते हैं उसमें डिस्कशन एक्चुअल जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ जनरली तो एक अंदर से जब उठता है पेंटिंग कब बनते कई बार ऐसा होता है कि एक पेंटिंग कई बार एक हफ्ते में भी बन जाता है और कई बार एक पेंटिंग के लिए एक साल भी लगता है तो जैसे कि आप लोग भी जो आप कर रहे हैं वो भी एक आर्ट है जर्नलिज्म है राइटिंग है क्रिएशन है तो ये पेंटिंग का जो है फील्ड क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे पेंटिंग बनाने का शौक है बनाना नहीं आता है लेकिन जो प्रोसेस मैंने देखी है कि ये पेंटिंग इतने डिटेलिंग के साथ क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इतना डिटेलिंग के साथ पेंटिंग क्योंकि एक पेंटिंग बनाने में आप सोचो खाली इतना 3-4 इंच का भी बनाए तो भी कुछ दिन लग जाए तो इतने बड़े पेंटिंग्स और पैशन के साथ जो बनते हैं और जो थीम है माया थीम क्योंकि माया पूरी दुनिया ब्रह्मा जी से लेके जो कहते हैं कि माया पे दुनिया टिकी है कि सब माया है तो ये माया में और इसमें द बिगेस्ट थिंग द फैंटास्टिक थिंग इज दैट कि सब में एक स्टोरी है सब पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी है तो ये बाजू में जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन दिया है तो ये आई थिंक खाली पेंटिंग एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रहता है कि ऐसे चार स्ट्रोक मार के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बन गया जो मैं नहीं समझ पाता लेकिन मेरा जैसा जो क्रिएटिव आदमी है राइटर है उसके लिए कि साथ में कि क्या है तो उसके पीछे की स्टोरी वो आई थिंक मुझे भी अपील करती है ऐसे सब लोग को अपील करेंगे नॉर्मली रिएक्शन बहुत कम आते हैं कुछ फैंटास्टिक अमेजिंग हो तो ही रिएक्शन आएगा कि वाओ अमेजिंग दैट्स इट हो गया उतना ही होता है सर अभी जो है आप डायरेक्टर भी बन गए हैं क्या कहना चाहेंगे जो पहली फिल्म आने वाली है आपकी साइलेंट फिल्म में अगर थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को किस तरह की फिल्म होने वाली है और किसने प्रोत्साहित किया कि फिल्म भी करनी चाहिए नहीं फिल्म तो मैं कई सालों से इसमें जुड़ा हुआ हूँ लिखने की साइड एज अ राइटर मेरी कुछ फिल्में आई है क्रिएटिव प्रोड्यूसर 2 फिल्में आई लेकिन एक मेरे माइंड में कुछ नया करना ऐसा मेरे माइंड में ऑलवेज रहता है तो हमने एक स्पेस फिक्शन 3D इंडिया फर्स्ट 3D स्पेस फिक्शन फिल्म हमने बनानी शुरू की थी वो 5 साल तक चला स्टूडियो बाद में काफ़ी रीजन की वजह से वो अधूरी रह गई तो अभी मैंने सोचा कि नया क्या किया तो मैंने सोचा कि एक साइलेंट फिल्म बनाई है जिसमें कि एक पुष्पक आई थी बहुत 3.5 डिकेट या 4 डिकेट पहले कमल हासन जी ने बनाई थी लास्ट तो आफ्टर 3.5-4 डिकेट के बाद एक साइलेंट फिल्म बनाने का मुझे और उसमें कानन आर्ट डायरेक्टर है और यहाँ आपके बीच राकेश दवे है ये स्टील दादा है BTS ये स्टील फोटोग्राफी पूरी फिल्म की जो लोग थे उसमें आपके अपने राकेश दवे उसमें स्टील फोटोग्राफर है वो 15 दिन हमारे साथ फॉरेस्ट में रहे और फॉरेस्ट में जो अपने एक्सपीरियंस किए हैं उनके पास से आपको काफ़ी स्टोरी मिलेगी गुजरात समाचार का मैं संपादक था उस वक्त वहाँ था हम लोग नया नायक जी कृपा शंकर सिंह वो लोग के इंटरव्यू करने जाते थे साथ में जाते थे फिर मैं अलग अलग पेपर पर जहाँ रहा वहाँ काफ़ी बार उन्होंने मेरे साथ काम किया तो मुझे जब स्टील फोटोग्राफर ढूंढ रहे थे और भी थे लेकिन वो लोग का दूसरा शेड्यूल चल रहा था तो मैंने बोला कि ये क्योंकि राकेश के जो फ़ोटो है मैं खाली ये एक कई सालों से 25 सालों से पहचानता हूँ इसलिए नहीं लेकिन आप में भी कुछ टैलेंट है ये में भी है ये भी मेरे हमारे तो बहुत पुराने सब क्योंकि मैं आप लोगों में से ही हूँ मैं भी ऐसे रिपोर्टिंग करने जाता था जब तो उस वक्त उसका मैंने पैशन देखा है और पूरी रात हम लोग एक सुबह हमने 7 बजे शूटिंग शुरू किया और दूसरे रात को 2 बजे तक यानी एक दिन एक रात और दूसरा दिन और दूसरी आधी रात तो ये बिना पलक झपकाए
उसने ये स्टील फोटोग्राफी की है। तो आज मुझे ये अच्छा हुआ जो राकेश भाई का आप जिसने बोला उसको मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। वो भी राकेश ही है जिसने बोला। अच्छा हाँ राकेश जी, तो ये अच्छा है क्योंकि और इसमें हमारे साथ श्रद्धा जी कहाँ है श्रद्धा? ये श्रद्धा जी ये जाने माने सिंगर है गुजराती के, श्रद्धा सिंगरानी जी। तो ये छोटे उस्ताद में आपने देखा होगा कई साल पहले, ये इनमें प्लेबैक सिंगर है और उन्होंने वहाँ परफॉर्म भी किया है। तो ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ सब जुड़ गए, आर्ट डायरेक्टर है, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, ये सिंगर है, परफॉर्मर है और स्टिल फोटोग्राफर है। तो जैसे तारक मेहता के तन्मय भाई, किरण भाई एक मिनट आइए प्लीज़, ये नीलेश भाई, ये तारक मेहता के तन्मय वेकरा जी हमारे फैमिली के सदस्य है, मेरे एकदम छोटे भाई जैसे, किरण भट्ट जी जो नटू का रोल करते हैं, तो चाचा भतीजा है ये बागा बोई। नीलेश भाई एक मिनट आइए ना प्लीज़। और नीलेश भाई है ये हमारे लिए आज मेरे लिए तो एक थे ना एक गेट टुगेदर हो गया है क्योंकि ये मुंबई समाचार के एडिटर है, ये मेरे सगे भाई जितने क्लोज है, तो इनका भी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से वो आए हैं। तो हम लोग एक जब भी मिलते हैं, ये भी प्रोड्यूसर है, इन्होंने कितने 50 जितने प्ले इन्होंने प्रोड्यूस किए। तो अभी हम लोग कल ही बात हुई है, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, उसमें हम लोग साथ में जुड़ेंगे सब। और इसके साथ हमारे कृष्णा जी, अनिल जी एक मिनट है ना, ये सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे लिए, ये फिल्म का जो शूटिंग का मुहूर्त होता है ऐसा इन वे हमारा हो गया है, क्योंकि कृष्णा हेगड़े जी मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं और इलेक्शन में भी सलाह मशवरा नीलेश भाई, हम लोग जब MLA का इलेक्शन लड़ रहे थे, अनिल पडवल जी एज यू नो के डिप्यूटी लीडर है, ये भी डिप्यूटी लीडर हो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन। और प्रकाश कोठारी जी, पद्मश्री प्रकाश कोठारी जी जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सेक्सोलॉजिस्ट है, उनमें से पद्मश्री। तो यहाँ हमारे लिए फोरम आप भी आइए, ये भी हमारे तारक मेहता में आते हैं, लेजली त्रिपाठी छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी साउथ की फिल्मों में हीरोइन आपने देखा होगा। तो यहाँ हमारे लिए जो मिलना हो गया एक फैमिली गेट टुगेदर जैसा हो गया। आर्ट इज द मेन थिंग जो हम सबको कनेक्ट करके रखते हैं। थैंक यू थैंक यू, हम दिल से कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू।